ब्लिस्टर पेपर मैं कलर पेंसिल के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें 20 सीड्स है और ये 270 GSM का है। और ये नेक्स्ट ब्लिस्टर स्केचबुक है जिसमें मैं ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ करती हूँ और ये 160 GSM का है और इसमें 120 पेजेस है। और नेक्स्ट ये A3 साइज स्केचबुक है ब्लिस्टर की, इस पर मैं ग्रेफाइट और कलर्स पेंसिल्स दोनों ही यूज़ करती हूँ। और पेंसिल की बात करूँ तो मैं ब्लिस्टर ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ करती हूँ, इसमें 12 पेंसिल्स आती है और ये मेरी फेवरेट है। और कुछ पेपर स्टम्स हैं जो स्मो शेडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये जेली रोल पेन मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करती हूँ ज्वेलरी में। और ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के इरेजर है, इरेजर पेन्स मैं छोटी छोटी जगह पर हाईलाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक इरेजर की, इसको मैं हेयर आईज और ज्वेलरी बनाने में यूज़ करती हूँ। और ये है नीडेबल इरेजर, ये टोमोमोनो इरेजर है, ये मैं हेयर्स में यूज़ करती हूँ। और ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स है, इसको मैं हेयर्स बनाने में यूज़ करती हूँ। चारकोल पेंसिल को साफ करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं कटर यूज़ करती हूँ। फिक्स एक्टिव स्प्रे है, इसकी वजह से हमारा स्केच खराब नहीं होता है। अब मैं कलर पेंसिल की बात करूँ तो मेरे पास अप्सरा कलर पेंसिल है और ब्लिस्टर कलर पेंसिल है, इसमें 72 पेंसिल्स है। और ये अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल है ब्लैक, और ये मास्किंग टेप। अगर मीडियम्स की बात करूँ तो मेरे पास वाटर कलर है कैमलिन के, और ये कैमल के सॉफ्ट पेस्टल्स और कैमल के ऑयल पेस्टल। और ये है जेल्ट्रॉन पेंस जो मैं टाइपोग्राफी आर्ट बनाने में यूज़ करती हूँ। और ये कुछ एक्स्ट्रा पेंस, मेटेलिक ब्रश पेन, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। और ये ब्लिस्टर के आर्टिस्ट ऑयल कलर्स, इसको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। और ये कुछ ब्रशेस, ऑयल है ऑयल कलर्स के लिए, ये डिस्टिल टर्पेंटाइन ऑयल, एंड ये पिक्चर वार्निश। ये है मेरा कैनवस पैड